Trudeau government had found itself in a tough spot, and this is at the Canadian Parliament, right inside in the floor of the House. They appear to have honoured a Nazi veteran. The opposition members of Parliament have hit out at Justin Trudeau over the Nazi supporter. The Nazi confiscated properties of Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu, the leader of banned pro-Khalistani organisation Six for Justice, and slain Khalistani terrorist associate Hardeep Singh Nijjar. Outside the consulate in Toronto, where the police has put out barricades, and I'm just showing you there's some bit of police presence. Protesters from Six for Justice are expected here today. Nek niyati, unke andar jo hai will power, nek niyati aur hard work. इसमें शामिल है, ठीक है। उनके अंदर ये कंडीशन नहीं आई कि कोई स्टार होल्डर्स आया या उनकी एमा के ऊपर कोई भी शख्स आया तो उसने लपेटा मारा और लपेट कर शटर की तरह दुकान खोली। पाकिस्तान एक दुकान है, उसको इस्तेमाल किया और इधर निकल गए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां गए हुए हैं न्यूयॉर्क में, वो यूएन जनरल असेंबली में बोलेंगे। वहीं पे कनाडा का एक डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ है और इसमें कहीं हल निकालने के लिए अमेरिका ने पहल की है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग हो जाए कनाडा के डेलीगेशन से, जिसके चीफ है रॉबर्ट रे, जो कि इंडिया जब बोलेगा उसके 10 वक्ताओं के बाद वो कनाडा बोलेगा। अगर दो कौम एक दो नजरिए से, एक हिंदू और मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, और वही बात है। दो बड़े कंट्रीज हैं, कनाडा और इंडिया की बात करें, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, शायद आपने सुना होगा वो सिख कम्युनिटी को लेकर। इस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि भाई इंडिया पे जंगी जनून सवार है और ये चीज़ है वो चीज़ है। इंडिया वो कुछ भी नहीं होगा, उसको सिर्फ इस तरीके से वो किया गया है, दोबारा इनका पैचअप हो जाएगा और अमेरिका को इसके ऊपर बोलने का जो है वो मतलब एक मौका मिल गया है। और उसको क्योंकि वो कह रहा था कि भाई मैं किसी तरीके से अपने कनाडा को दबाऊं कि ताकि ये मेरा हैंड बने और ताकि मैं यहाँ पर जो रशिया ने उनके ऊपर जो जंग मुसलत की हुई है तो इंडिया को साथ में मिलाते हुए उसके अड्डे इस्तेमाल करते हुए, ये एक बड़ी अजीब। में कहा कि दो कौम एक दो नजरिए से, एक हिंदू और मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, और वही बात है। तो वो रह तो रहे हैं इकट्ठे, आपको नहीं लगता रह रहे सर वहाँ पे वो उन वो रह रहे हैं, लेकिन वो उनका जो जो इंतहा पसंद जो पाकिस्तान के जो वजीर आजम और वजीर खारजा अमरीका में है, लेकिन किसी अमरीकी शख्सियत जो कि हुकूमत में उनसे मुलाकात नहीं हुई। आज मैं देख रहा था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो डायरेक्ट शोले साहब से हुई है, जो कि इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन जारी बात है स्टेट डिपार्टमेंट में उनका नंबर 3 या 4 है। आप कैसे देखते हैं, एक तो लीडरशिप भी हमारी अमरीका में मौजूद हो लेकिन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इस हद तक चली गई है, और दूसरा एक दो और बातें भी हैं। एक तो वो इमरान रियाज जर्नलिस्ट वापस आए हैं और आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी बात की है और कहा है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पाकिस्तान इस पूरे गेम में। कोशिश ये की जाएगी कि दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस हो जाए। पहले तो आग लगा दी इस अमेरिका ने और अब रिलेशंस बेटर करने की कोशिश कर। जय हिंद, वेलकम टू द चैनल। वर्ल्ड सेइंग deeply impressing Trudeau after he honored Nazi veteran in Canadian Parliament. Canadian Parliament is opposing its own leader and asking for apologies from Canadian Prime Minister Justin Trudeau. हाँ, ये बात जरूर है कि प्राइम हमारे जयशंकर साहब करेंगे कि नहीं करेंगे मीटिंग, ये जयशंकर साहब पे होगा। इतना आगे चले गए नेबर कंट्री, अगर भारत की बात करें चांद पे वो पहुंच के सारी डेवलपमेंट उनकी, दुनिया के बड़े बड़े कंट्री उनके साथ, ये भी कोई साजिश है आपके ख्याल में या ये वाकई उनकी मेहनत है? ये उनकी जो फर्ज करें, एक उनका जो वजीर आजम है उन्होंने अपनी हिंदू कौम को खुश रखा हुआ है। इधर आ जाए जी, हिंदू कौम को सपोर्ट किया हुआ है हमारे, लेकिन मुसलमान भी रहते हैं। मेरी बात सुन लें, सबसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में है, ठीक है। वो कितने इंडोनेशिया के बाद इंडिया में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, ठीक है सर, बनारस में, हर सिटीज में होंगे। लेकिन बात यह है कि जैसे कह दिया मैं कहा कि पाकिस्तान में और हम एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ हैं और इनटॉलरेंस को जो है वो गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने पीएम काकड़ साहब की जो स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, उस पर भी कहा है कि ये एक एंटी डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है। सर आप कैसे देखते हैं, पर्टिकुलरली जरा इस पर कमेंट करें, ये जो हमारी लीडरशिप अमरीका में है लेकिन मुलाकात कोई नहीं किसी की हुई? सर चीमा साहब, ये सारा होमवर्क अगर देखा जाए तो जो इस वक्त जो सिविलाइज वर्ल्ड है वो दौरे से पहले मीटिंगें अपनी सेट करके कहीं जाते हैं, आके तो मुलाकात नहीं होती। नहीं, ये पाकिस्तान तो नहीं है कि मैं लंघ रहा सा चाह पीना आ गया। सो ओरिजिनली
ये हमारी एक तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी यही है जहां से पैसा मिलता है हम उनके साथ अटैच होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस और इस वक्त पूरी दुनिया में शोर है आपके इकोनॉमिक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में और उसके बाद आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। इस वक्त आपके पूरा सारी दुनिया हर दुनिया के कैपिटल के अंदर आपकी ये चीजें दोनों डिस्कस हो रही और उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट का जिसको नॉन इलेक्टेड हो सिर्फ सिलेक्टेड हो और वो अगर दौरे पर आती है उसको क्यों मिला जाएगा, कौन मिलेगा उससे, ये सारी चीजें पता होनी पता थी। जो यहूदी वहां के हैं हिंदू कट रहे हैं कईयों बंदों को उन्होंने कत्ल कर दिया वहां पे। ठीक है ये अच्छा ये देखें ये वीडियो मैं ये वैसे तो टॉपिक ये था कि कनाडा और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है लेकिन ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये भाई को मैं कोशिश करूंगा, मुझे ऐसा लगा एनसीए से पढ़े लिखे हैं थोड़ी बहुत सोशल मीडिया को देखते होंगे रियलिटी का पता होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में इनको रियलिटी दिखाऊं, इन्हें रियलिटी बताऊं और इनके माइंड में जो नेगेटिविटी है वो कम करूं। पर मैं भी आज तक आप यहां पे खड़े हैं इतनी देर हो गई है, कितने के रिलेशन ठीक हो गए हैं, तो हम अपनी सोच बदलेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे ना। सर सोच तो बदल लेंगे, अब वो क्यों नहीं करते, इंडिया के लोग क्यों नहीं करते, इंडिया की हुकूमत क्यों नहीं करते, क्या वो सोच चेंज करनी चाहिए, वहां से ही लोग ज्यादा देख रहे हैं, क्या गलत किया उन्होंने मुझे बताएं ताकि पता चले दुनिया को। आपके जितने अवाम को तो इस लहज पर पहुंचा दिया, अब आप कहेंगे नहीं जी जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, इतना भी मजहबी नहीं बनना चाहिए इंसान को कि पूरा पलंदा उसके ऊपर डालो कि हाँ जी इतना मजहबी इनको बना दो कि ये सारी ना उठा सके। हाँ, बाद में ये कहेंगे भाई अगर जो हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ है, अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया है और ये पहले ऊँट को बांधो। ज्यादा फायदा किसको होगा, दोनों मुल्कों को होगा सर। ज्यादा आपके ख्याल से ज्यादा फिर हमको ही होगा सर, हम वहाँ फिर अपना काम कर सकते हैं, जा सकते हैं विजिट के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बढ़िया कंट्री है इंडिया, इंडिया में बुजुर्ग है वहाँ पे अबू अली कलंदर है, हाजी ख्वाजा पिया है, निज़ाम औलिया दीन है वहाँ पे जो अजमेर शरीफ है और साथ साथ बॉर्डर लगते हैं, क्योंकि मैं जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना वहाँ एरिया मैं रहता हूँ बुरेवाला से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे आपने सुना राजस्थान लगता है ये आता है सर, अगर आप डेजर्ट एरिया है दो कम एक दो नजरिए से एक हिंदू और मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते और वही बात है। Deeply impressing Trudeau after he honored Nazi veteran in Canadian Parliament. Canadian Parliament is opposing its own leader and asking for apologies from Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Friends, Jai Hind, welcome to the channel. World saying deeply impressing Trudeau after he honored Nazi veteran in Canadian Parliament. Canadian Parliament is opposing its own leader and asking for apologies from Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Justin Trudeau spoke first time since the Ukraine Nazi veteran was honored in the Canadian Parliament, and after pondering, he himself said it deeply embarrassing. This shows the double standard to Canadian Prime Minister Trudeau. Whole Canada is asking for apology to the Jewish community. Trudeau जो हैं, वो Canada के reputation को zero करने पे आमादा हो चुके हैं। पहले भारत से पंगा लिया, भारत के बारे में सीधा आरोप allegation लगाया वहाँ के कुछ खालिस्तानी leaders के killing के ऊपर, और अब ज्यूस कम्युनिटी का इंसल्ट किया, और वो इंसल्ट किया कैसे किया गया कि जब कनाडियन पार्लियामेंट में एक वेटरन को ऑनर्ड किया गया एंड स्टैंडिंग ओवेशन से ऑनर्ड किया गया, एंड वी ऑलरेडी नोज द नाजी वेटरन्स व्हाट दे हैव डिड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स टू द ज्यूस कम्युनिटी, सो इन दिस वे ज्यूस कम्युनिटी इज फीलिंग वेरी इंसल्ट एंड दुनिया में हर जगह रहने वाले ज्यूज़ कम्युनिटी के लिए एक इंसल्ट भरा सिचुएशन हो चुका है और ये कनाडा द्वारा किया गया है। पूरे कनाडा में ट्रूडो की पुथु हो रही है, कैनेडियन पार्लियामेंट में ट्रूडो के जो मेंबर हैं जो उनके फेवरी मेंबर है वो उनका अपोज कर रहे हैं। तो लेट्स सी दिस वीडियो, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ प्लीज सब्सक्राइब। वो रह तो रहे हैं इकट्ठे, आपको नहीं लगता रह रहे सर वहाँ पे वो रह रहे हैं हाँ। लेकिन वो उनका जो इंतहा पसंदीदा जो यहूदी वहाँ के हैं हिंदू कट रहे हैं
कईयों बंदों को उन्होंने कत्ल कर दिया वहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये देखें ये वीडियो, मैं ये वैसे तो टॉपिक ये था कि कनाडा और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये भाई को मैं कोशिश करूंगा, मुझे ऐसा लगा एनसीए से पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया को देखते होंगे, रियलिटी का पता होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में इनको रियलिटी दिखाऊं, इन्हें रियलिटी बताऊं और इनके माइंड में जो नेगेटिविटी है वो कम करूं। मुझे बताएं, आपने बोला वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, अब आप जो दिल करे बोलिए, मैं लेकिन थोड़ा बहुत आपको साथ लॉजिक दूंगा। वहां पे अगर जुल्म हो रहा हो तो आपको नहीं लगता कि आबादी खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वहां से पाकिस्तान के लिए मुसलमानों को अप्लाई करना चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, कोई ऐसा हो रहा है? सर नहीं, वीज़ा नहीं वो दे रहे, इस तरह नहीं दे रहे। वो कहते हैं जी अगर आपने वहाँ इंडिया में आना चाहते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं, अगर आप बिजनेस के वाले से जा रहे हैं, अगर कोई वहाँ पे उर्स होते हैं, नहीं उधर से वो अगर गुलाम हो रहा हो तो उधर से वो कहें कि हम तो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं मुसलमान, तो उनका हक है, वो जा सकते हैं, वो पनाह ले सकते हैं, पाकिस्तान में भी ले सकते हैं। नहीं ना ले रहे, वो तो कह रहे हैं हम वहाँ पे खुश हैं। आप अच्छा, ये जो चीज़ें आपने देखी वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये चीज़ें ये कहाँ से, हमने सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से कहाँ से देखा? सर सोशल मीडिया से देखा, सोशल मीडिया से देखा, क्योंकि यूट्यूब आपका है, पूरी दुनिया में हर लोग वहाँ पे उठा के कैमरा पकड़ के शुरू हो जाता है जी आप ऐसा करें जी, वो फलां ऐसा कर रहा है। हाँ। अब एक मैंने कल देखा है कराची में, एक रिक्शे वाला है, ठीक है, और वो पठान भाई है जी जी जी, तो वो जब रोड पे जा रहा है तो उसने क्या कि 500 रुपये दिहाड़ी उसकी होती है, जो हमारे ट्रैफिक भाई हैं उसका वो चलान कर देते हैं, और रो रो के कह रहा था कि खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, मुझे लटका दो। नहीं लेकिन हम टॉपिक की तरफ ही रहते हैं ना, कि जैसे आपके माइंड में ये है कि नेगेटिव उनको लेके कि भाई वहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद और ये चीज़ें, आपको नहीं लगता कि अगर हम ऐसे सोच रखेंगे तो हमारे कभी रिलेशन के बेहतर नहीं हो पाएंगे नेबर के?